राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने जोर देते हुए कहा है कि विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर रखे जाने का प्रस्ताव दिया था। अब ये बात अलग है कि गठबंधन के किसी अन्य सहयोगी ने इसका समर्थन नहीं किया, यहाँ तक कि खुद खड़गे ने भी अपने नाम के सवाल को टाल दिया। शायद इसके पीछे चेहरा दिखाओ नहीं, चेहरा छिपाओ की सियासी रणनीति है, क्योंकि चुनाव में चेहरे का बड़ा प्रभाव होता है। ताकतवर चेहरे की तरफ मतदाता आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी कई बार विधानसभा चुनाव में भी अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर देती है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास उस कद का कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। विपक्षी दलों के गठबंधन में शरद पवार वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं, इसलिए वो सियासी माहौल परखते हुए चेहरे की राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है, इंडिया गठबंधन बिना प्रधानमंत्री के चुनाव में जा सकता है। 1977 में भी ऐसा हुआ था, जब मोरारजी देसाई चुनाव से पहले कहीं नहीं थे और विपक्ष बिना प्रधानमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ रहा था। आम चुनाव के बाद एक नया दल बनाया गया और वो प्रधानमंत्री बने। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो या ना हो, लोग चुनाव में वोट करेंगे, खासकर अगर उन्होंने बदलाव का फैसला कर लिया है। फिलहाल शरद पवार की इस बात को विपक्ष की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना ये बाकी है कि चेहरा नहीं तो क्या मुद्दों के सहारे विपक्ष जनता का भरोसा जीत पाएगा, या फिर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।